हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग साबूदाने की खीर बनाएंगे। ये साबूदाने की खीर खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और आप लोग किसी भी फास्ट उपवास में इसको बना करके खा सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। खीर बनाने के लिए हमें ये हाफ लीटर मिल्क है, आधा किलो दूध लिया है। आधा किलो दूध से हम लोग खीर बनाने वाले हैं। इसके साथ 3/4 कप साबूदाना है, ये बारीक वाला साबूदाना है, ये मार्केट में इजीली मिल जाता है, वो हम लोग लेंगे। मोटा वाला साबूदाना हमें इस खीर में नहीं लेना है। 1/2 कप शुगर है, चीनी लिए है। इसके बाद में हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। इलायची पाउडर है, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर है, कुछ बादाम की कतरन है, पिस्ता कतरन है और कुछ केसर के धागे हैं। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। खीर बनाने के लिए हमें साबूदाने को सबसे पहले भिगाना होता है। ये सूखा साबूदाना होता है, इसमें बहुत सारा स्टार्च होता है, इसलिए इस साबूदाने को भिगाने से पहले हमें इसको 3 से 4 बार अच्छे साफ पानी से धोना होता है ताकि इसमें से इसका सारा स्टार्च खत्म हो जाए और उसके बाद में इसकी खीर बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होती है। तो ये जो साबूदाना था, इसे मैंने पहले से ही साबूदाने को भिगा के रखा था और इस साबूदाने को हमें 1 घंटे के लिए भिगा के रखा था। अब देखिए, ये साबूदाना थोड़ा फूल करके अच्छा तैयार हो गया है। खीर बनाना शुरू करते हैं। खीर बनाने के लिए हम लोगों ने एक कढ़ाई ली है और उस कढ़ाई में हम लोग ये जो हमारा दूध है वो ऐड करेंगे। ये दूध हमने इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद दूध में हम लोग एक बॉईल लेंगे। कभी भी साबूदाना दूध में बॉईल आए बिना नहीं डालना है, अदरवाइज खीर के फटने के चांसेस होते हैं। तो हम लोग इसमें एक बॉईल लेंगे। दूध में अच्छे से बॉईल आ गया। अब हम लोग इसमें हमारा भीगा हुआ साबूदाना जो था, ये हमारा भीगा साबूदाना था, इसमें से सारा पानी हमने हटा दिया है। अब हम लोग वो खीर में ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम लोग गैस को मीडियम टू लो फ्लेम पे रखेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे अब हमें इस खीर को पकाना है। खीर को हम लोग बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे। देखिए, इस खीर को पकाते हुए हमें 5 से 7 मिनट हो गए हैं और ये खीर हमारी पकना स्टार्ट हो गई है और ये साबूदाना जैसे जैसे पकते जाते हैं ये ऊपर खीर के अंदर तैरने लग जाते हैं। जैसे साबूदाना हमारा पूरा पक जाएगा, ये एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 5 से 7 मिनट और हो गए हैं। अब हम लोग खीर को चेक करते हैं। खीर पहले से गाढ़ी हो चुकी है और साबूदाना भी खीर के ऊपर तैरता हुआ दिखाई दे रहा है, मीन्स खीर हमारी बनने वाली है। इस टाइम पे खीर में हम लोग जो केसर थी वो हम लोग ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम लोग खीर में चीनी थी वो डालेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और चीनी को भी अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, खीर में चीनी अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है और ये खीर हमारी बनकर के तैयार है, ये देखिए। और अभी ठंडी होने के बाद ये खीर और भी थिक अच्छी दिखने की लगेगी। अब हम लोग इसमें इलायची पाउडर है वो डालेंगे। थोड़ा सा बादाम कतरन है वो भी डालेंगे। थोड़ा सा पिस्ता कतरन है वो भी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा गार्निशिंग के लिए हमने बचा लिया है। अब ये खीर हमारी बनके तैयार है, हम लोग गैस ऑफ कर गए। देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी खीर बनके हमारी तैयार हुई है, ये देखिए। अभी हम लोग इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं ताकि ये और भी थिक हो जाएगी। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं और आप चाहें
तो इसे फ्रीज में रखकर ठंडा ठंडा भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा खीर का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।